हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिक्शा आ रहा है और देखिए किस तरह से आ रहा है। वाह, मेरा टेम्पो उस पे चढ़ा दो। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं भेड़ की यहाँ पे झुंड आ रही है यहाँ पे, और मैं झुंड में इन बकरी की आवाज़ में बोलना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा ये ट्रेन का बोगी था। आप लोग बीच में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रेन जा चुकी है यहाँ पर, और हमारे पीछे पीछे दो कुत्ते भी हैं, और इन कुत्तों के भी मैं मिमिक्री करना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप लोग बीच में, मैं शाम का बेला हो चुका है, लेकिन अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस आप लोग के बीच में दिखाऊंगा मैं। और ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे मतलब कि जो मतलब कि बहाव है, मतलब बोलते हैं कि नाला है यहाँ पे, मतलब कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है दोस्तों, ये देखिए। और देखिए यहाँ भेड़ की झुंड यहाँ पे जा चुकी है। तो आप लोग बीच में थोड़ा थोड़ा मैं करके कुछ, अगर मान लीजिए कि इस खम्भे में अगर कोई बिजली अगर उत्पन्न होती है, तो उसके अंदर जो ट्रांसफार्म जो होता है, ट्रांसफार्म उसके अंदर, अगर ट्रांसफार्म के अंदर अगर लाइनियाँ अगर जब आती है, तो उसकी आवाज़ कैसे होती है आप लोग बीच में दिखाना चाहता हूँ, और किस तरह से वो शार्ट होती है, मतलब कि ट्रांसफार्म किस तरह से जलता है, और आप लोग बीच में थोड़ा थोड़ा सुनाऊँगा मैं आप लोग बीच में। तो स्टार्ट करना चाहता हूँ लाइन। इस तरह से दोस्तों आप लोग बीच में, इस तरह से जब कोई अगर मान लीजिए कि ट्रांसफार्म पे कोई अगर चिड़िया, कोई पंछी, कोई भी अन्य पक्षी कोई अगर बैठता है, ट्रांसफार्म को जलने का यही होता है। देखिए मैं फिर से आप लोग बीच में दिखाना चाहता हूँ, ट्रांसफार्म में तार में लाइट है बहुत, काफ़ी 240 वोल्ट का चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आती है लाइट का ट्रांसफार्म में। उसके जलने की आवाज़ जब उड़ती है विद्युत, इस तरह से। और देखिए आवाज़ जैसे बोलता हूँ ट्रांसफार्म का आवाज़ से, मोर भी बोलना चालू कर दे रहे हैं। तो हो सकता है एक बार मैं अपनी बाड़ी के माध्यम से मैं एक बार फिर से पक्षी की मैं आवाज़ निकालना चाहता हूँ मोर का, और देखिए मोर हो सकता है बोलेगा तो बोलेगा। तो नहीं बोला। अच्छा मैं ग्वाइस करता हूँ कि दोस्तों आप लोग बीच में उसी भेड़ के पास में जा रहा हूँ, जहाँ तमाम भेड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई हैं, और अच्छा लग रहा है। वाह, लंबी सावा देखो, यहाँ पे दो कुत्ते भी हैं, इन कुत्तों को भी बुलाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कि जो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, शाम का बेला जो हो चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं, अब बोलते हैं कि हार कभी नहीं माना चाहिए, हार के आगे जीत है, जाए अंधेरा हो जाए उजाला हो, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को मैं अपने प्रकट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। बोलते हैं कि कोयले के अंदर भी छुपा हुआ हीरा भी आप लोगों को नज़र आता है, लेकिन मेरे अंदर वो टैलेंट जो आप लोग बीच में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जरूर आप लोग देखना, और मैं उस जानवरों के पास ले जा रहा हूँ जहाँ पे ढेर सारी भेड़ियाँ वहाँ पे इकट्ठित हुई हैं, और उसी भेड़ के बीचों बीच में मैं कुछ उनकी आवाज़ में मैं बात करूँगा, और भेड़ियाँ कुछ जरूर बोलना चालू कर देंगी। तो आइए मैं ले चलता हूँ उन भेड़ियों के पास जहाँ पर भेड़ियाँ इकट्ठित हुई हैं, कम से कम हज़ारों की भीड़ में वो भेड़ियाँ हैं,
और देखिए मैं जैसे जैसे आवाज़ निकालूंगा उससे हो सकता है भेड़ियाँ बोलना चालू कर देंगी। अगर दोस्तों अगर भेड़ियाँ अगर अगर मैं नहीं बोलूँगा, अगर मैं उनकी आवाज़ में बात करूँगा, अगर वो आवाज़ में नहीं बात करेंगे तो समझ लो मैं आवाज़ निकालना छोड़ दूँगा। तो आइए ले चलता हूँ, बहुत काफ़ी दूर आ चुका हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मैं उन भेड़ियों के पास में काफ़ी तेज़ी से जा रहा हूँ और यहाँ पर भेड़ियाँ देखी जा रही हैं। यहाँ पर बहुत काफ़ी झुंड आप लोग देख सकते हैं। मुझे हकीकत है कि आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर से आप लोग देखते हो। मेरी आवाज़ में वो चीज़ टैलेंट है, जिस टैलेंट को मैं निकालता हूँ वो टैलेंट आप लोग को अच्छा लगता है। तो मैं बस कुछ ही पल में उन भेड़ियों के पास में पहुँच रहा हूँ और देखिए मैं खेत में उतर चुका हूँ। ये देखिए, हेलो दोस्तों, लोग कुछ मेरी आवाज़ों को मजाक उड़ाते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन जो कला को जो समझते हैं वो वही कलाकारों का इज्जत कर सकते हैं। ये देखिए मैं भेड़ियों लोगों के पास में आ चुका हूँ, ये देखिए, और मैं पीछे होकर पाँव कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। और देखिए मैं इनकी आवाज़ में बात करूँगा, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। और भेड़िया जैसे मैं बोलूँगा भेड़ियों की आवाज़ में, बकरियों की आवाज़ में, वैसे लोग ये बोलना चालू कर देंगे। ये देखिए, देखिए दोस्तों बहुत समझ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे काफी अच्छे लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे बाबा जी का जो भेड़ा है बहुत काफ़ी है। दोस्तों अंधेरा हो चुका है इसीलिए से मैं आप लोगों को बीच में समाप्ति लेता हूँ। एक बार फिर से मैं आवाज़ निकालना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम बाबा। ये आपने कितने साल से चला रहे हैं बाबा भेड़ा को, बता सकते हो? मतलब कितने साल से चला रहे हैं, मतलब भेड़िया को मतलब पाले हैं, पाल पोस के कितने साल तक चला रहे हैं आप? अरे वो तो बचपन से चला, बचपन से। बाबा जी घबराइए मत, ये कोई टेंशन नहीं है। बाबा घबरा गए कि मतलब ये वीडियो क्यों बढ़ रहा है, तो ये घबराने की बात नहीं है। ये आपका भी YouTube पे जाएगा बाबा, आप देखेंगे लोग आपको मतलब चॉइस करेंगे। दोस्तों तो बाबा के लिए कम से कम कुछ ना ज़्यादा वो घबरा चुके हैं कि क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। बाबा आप जा सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बाबा से अभी मैं मिला, जिनका भेड़िया था वहाँ पे चराते हुए, उनकी उनके भेड़ियों से मैं बात किया तो एक ही भेड़िया बात की, शाम का बेला हो चुका है इसके लिए वो घर जा रही हैं। तो प्लीज़ धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय। मैं जैसे मोर की आवाज़ बोल रहा हूँ वैसे मोर बोलना चालू कर रहे हैं। वाह, बाय दोस्तों।